केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके तहखाने में मौजूद 6 दरवाजे इसे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में पहला स्थान दिलाते हैं। क्यों नहीं कोई खोल पाया पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वो आखिरी दरवाजा, और क्या होगा अगर खुल गया ये हजारों सालों से बंद दरवाजा, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर को भगवान विष्णु का विश्राम स्थल बताया गया है। पद्मनाभ स्वामी अर्थात जिनकी नाभि में कमल है जिससे संसार का सृजन होता है, इसी मंदिर में मौजूद है वो रहस्यमय 6 द्वार। इन 6 द्वारों में से पहला द्वार 1908 में खोलने की कोशिश की गई, तब कोबरा के एक झुंड द्वारा यहाँ की रिसर्च टीम पर हमला कर दिया गया था और वो लोग बिना द्वार खोले वापस लौट गए। सन 1931 में एक बार फिर जब इन चेम्बर्स को खोलने की कोशिश हुई तो यहाँ किसी कोबरा के झुंड का अटैक नहीं हुआ और पहला द्वार सफलतापूर्वक खोल दिया गया, जिसमें से बड़ी मात्रा में सोना, बहुमूल्य मूर्तियाँ आदि निकली। पर क्यों उन्होंने पहले द्वार के बाद और द्वार खोलने की कोशिश नहीं की, ये कोई नहीं जानता। आखिरकार 2011 में कोर्ट के आदेश पर मंदिर के पहले 5 दरवाजों को खोला गया, जिनसे इतना सारा खरबों का सोना और बेशकीमती संपत्ति निकली कि सबकी आंखें फटी रह गई। फिर 6 द्वार को भी खोलने की कोशिश हुई, पर मंदिर के प्राधिकारी नहीं चाहते थे कि 6 द्वार खुले, क्योंकि उनके अनुसार देवताओं ने देव प्रसन्नम नामक धार्मिक विधि के द्वारा उन्हें ये संकेत दिया था कि इस आखिरी द्वार को ना खोला जाए, और यदि जबरन इसे खोला गया तो खोलने का प्रयास करने वालों को भयंकर श्राप लग सकता है और भारी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। कहते हैं इस अंतिम रहस्यमय द्वार को खोलने का प्रयास करती कमेटी के सदस्यों के साथ भी एक एक करके दुर्घटनाएं होने लगी थी। एक सदस्य पर बीमारी का ऐसा हमला हुआ कि उसने आगे द्वार खोलने के प्रयास से खुद ही मना कर दिया। दूसरे व्यक्ति की माता की मृत्यु हो गई और सुंदर राजन, जिसने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने सभी धर्मों के सिद्ध पुरुषों, तांत्रिकों और अघोरियों को बुलाकर ये दरवाजा नाग बंधन करके बंद करवाया था। दूसरी मान्यता के अनुसार ये द्वार सीधे पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। अगली मान्यता के अनुसार अंदर कोई सुरंग है जहाँ से नाग लोक का रास्ता जाता है, जहाँ अत्यंत कीमती माणिक, मोती, हीरे जवाहरात आदि हैं और उनकी रक्षा शक्तिशाली नाग कर रहे हैं। अब सवाल है कि कौन खोल सकता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का ये अंतिम द्वार। कहते हैं सिर्फ उच्च कोटि के साधु या वो सिद्ध योगी जिन्होंने गरुड़ मंत्र को सिद्ध हस्त कर लिया हो, वही इस दरवाजे को खोल सकते हैं। जब वो सटीक मंत्र ध्वनि इस दरवाजे से टकराएगी तभी ये दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि इस दरवाजे पर चाबी के लिए कोई ताला या इसे खोलने की कोई अन्य विधि भी नहीं लिखी है। जबकि कुछ संत तो ये भी बताते हैं कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के द्वारा ही इसे खोला जाएगा और फिर इस आखिरी द्वार के पीछे का हजारों साल पुराना रहस्य दुनिया के सामने आएगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप कुछ रोचक तथ्य जानकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ें। हमारा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक और रोचक वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय आर्यव्रत।